हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग अलग पेज पे अलग अलग पेज बॉर्डर कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है और यहाँ पर टोटल 4 पेजेस हमने लिए हुए हैं। मैं पहले 2 पेज पर अलग अलग पेज बॉर्डर बनाऊंगा, उसी मेथड को फॉलो करके आप बाकी 2 पेज पर भी या कोई भी कितने भी पेज हों, आप सब पर अलग अलग पेज बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वाले पेज पर हम पेज बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए बीच पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये कर्सर ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, हमने बीच पे कहीं पर भी क्लिक कर दिया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में लेआउट टैब में। ये रहा लेआउट टैब, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर हमको जाना है ब्रेक्स में। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर उठ करके यहाँ सेकेंड वाले पेज पर आ गया। ठीक है, तो हमको दोबारा से पहले वाले पेज पर कर्सर ले जाना है। उसके बाद हमको जाना है ऊपर के रिबन में डिजाइन टैब पे, इस पर क्लिक कर दीजिए। राइट साइड में आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो बॉर्डर एंड शेडिंग का विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर हमको सबसे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेज बॉर्डर। उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है बॉक्स और यहाँ से कोई भी आर्ट वर्क ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम पहला वाला आर्ट वर्क ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की है। ठीक है, हमको जाना है अप्लाई टू में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और दिस सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ पहले वाले पेज पर पेज बॉर्डर बनेगा, ये देखिए। ठीक, अब दूसरे वाले पेज पर अलग पेज बॉर्डर बनाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कहीं पर भी बीच में क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद हमको जाना है वापस से लेआउट टैब में। ये रहा लेआउट टैब, इस पे क्लिक करिए, फिर से ब्रेक्स में जाना है और फिर से कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। ठीक है, यानी नया सेक्शन शुरू कर सकते हैं यहाँ से। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर यहाँ पर पहुंच गया तीसरे वाले पेज पे। हम वापस से दूसरे पेज पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए कर्सर यहाँ वापस ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद हमको फिर से जाना है ऊपर के रिबन में डिजाइन टैब पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। राइट साइड में आपको पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। वापस से बॉर्डर पेज बॉर्डर सॉरी बॉर्डर एंड शेडिंग का विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से फिर से हमको पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है बीच वाले ऑप्शन पे, फिर बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस बार दूसरा आर्ट वर्क ले लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और इस बार हम ये नीचे वाला सेकंड वाला आर्ट वर्क ले लेते हैं। उसके बाद फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, हमको अप्लाई टू में जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और दिस सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरे वाले पेज पे अलग पेज बॉर्डर बन गया। तो इसी तरीके से अलग अलग पेज पे आप अलग अलग पेज बॉर्डर बनाते मतलब बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।